प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी सात प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे साइंस का अध्याय धातु एवं अधातु। हम इस अध्याय का तीसरा तथा चौथा भाग देखेंगे आज, और फिर उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का अध्याय राजनीतिक दल। हम इस अध्याय का दूसरा भाग देखेंगे आज, और फिर उन पर आधारित प्रश्नों को भी जानेंगे। साथ ही 12वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का अध्याय पी ब्लॉक एलिमेंट्स। हम इस अध्याय का छठा तथा सातवां भाग पढ़ेंगे आज, और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। इसी प्रकार से बायोलॉजी में हम पढ़ेंगे अध्याय वंशागति के आणविक आधार, जिसका कि हम छठा भाग देखेंगे आज, और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी सात, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम धातु एवं अधातु का तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। इसके बारे में हमने दूसरे अध्याय में भी जाना था। हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु ऑक्साइड बनाता है। तो अब हमें ये पता है कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो धातु ऑक्साइड बनते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे ऑक्साइड भी हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के जो ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड्स। चलिए इनका एक उदाहरण देख लेते हैं। जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो उससे हमें मिलता है एक लवण एल्यूमिनियम क्लोराइड का, और साथ में जल मिलता है। वहीं जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, जो कि एक क्षारक है, तो हमें लवण मिलता है NaAlO2, जिसे हम सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, और साथ में जल मिलता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये धातु का ऑक्साइड है जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है और क्षारक के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है। जब ये अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तब ये क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है, और वहीं जब ये क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। चलिए जब हम धातु ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में एक और बात जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो धातु ऑक्साइड हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, परंतु कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड हैं जो जल में घुल जाते हैं और घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, जो कि एक क्षारीय प्रकृति का धातु ऑक्साइड है। जब ये जल में मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो विलयन मिलेगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं। जब पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें जो विलयन मिलता है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। ये भी एक क्षारीय प्रकृति का विलयन होता है। अब जैसा कि हमने जाना था कि धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म में काफी सारे अपवाद थे, तो सवाल ये आता है कि ऑक्सीजन के साथ जब धातु अभिक्रिया करते हैं तो क्या सभी धातुएं एक ही तरीके से अभिक्रिया करते हैं,
क्या इनमें भी कोई अपवाद होता है या नहीं होता? तो इसका जवाब है कि धातु के साथ ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो सभी धातु धातु ऑक्साइड ही प्रदान करते हैं, परंतु जो अभिक्रिया की दर होती है वो समान नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होता है, चलिए जान लेते हैं। पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होते हैं, तो अगर हम इन्हें खुली हवा में रखते हैं तो इनमें आग लग जाती है, ये इतनी तेजी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो इसके लिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए और आकस्मिक आग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन्हें केरोसिन ऑयल के अंदर यानी कि केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं, उससे ये ऑक्सीजन से संपर्क में नहीं आता और इसमें आग नहीं लगती। कुछ धातु हैं जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड इत्यादि, इन धातुओं पे सतह पर ऑक्साइड की एक परत आ जाती है। ये ऑक्साइड की परत इसके बाद धातु को हवा में मौजूद ऑक्सीजन से बचाती है, क्योंकि जो अंदर धातु है वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाता। कॉपर की बात करें तो कॉपर का दहन नहीं होता, लेकिन अगर इसे गर्म किया जाए तो गर्म कॉपर पर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। कुछ ऐसे धातु भी हैं जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, ये बहुत ही अनाभिक्रियाशील होते हैं और कितना भी ताप देने पर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये तो बात हुई कि धातु ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, चलिए जानते हैं कि क्या होता है जब धातुएं जल से अभिक्रिया करती हैं। धातु जब जल से अभिक्रिया करती हैं तो हमें धातु ऑक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है, परंतु यहाँ पर जो धातु ऑक्साइड मिलता है ये धातु ऑक्साइड फिर से जल के साथ अभिक्रिया करता है और उससे हमें धातु हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो देखा जाए तो धातु तो जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं, परंतु धातु ऑक्साइड अभी भी जल में ही है तो वो जल से फिर से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना देता है। चलिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जब पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि क्या होता है जब धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो जब धातु किसी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें लवण मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। पर क्या आप जानते हैं कि जब कोई धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस विकसित नहीं होती? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों होता होगा? दरअसल नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो वो एक बहुत ही मजबूत ऑक्सीकारक है, यह उत्पादित हाइड्रोजन को पानी में बदल देता है और यही कारण है कि हाइड्रोजन गैस विकसित नहीं होती। चलिए अब बात करते हैं कि अन्य धातु लवण के विलयन के साथ धातु कैसे अभिक्रिया करती है। तो अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देती है। यहाँ पर विस्थापन की अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है, मान लीजिए कि धातु ए जो है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है और हमने एक कम अभिक्रियाशील धातु बी का लवण विलयन लिया है। तो जब अभिक्रिया हो जाएगी तो जो धातु बी है वो अलग हो जाएगा और ज्यादा अभिक्रियाशील धातु ए जो था वो लवण के साथ विलयन बना लेगा। यहाँ पर परेशानी बस एक है, आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी धातु अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो इसका जवाब है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी हमें बताती है कि कौन सा धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है और कौन सा कम अभिक्रियाशील है। सक्रियता श्रेणी में ऊपर से नीचे आते हुए अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। चलिए अब जान लेते हैं कि अम्ल राज क्या है। अम्ल राज को इंग्लिश में एक्वारेजिया कहा जाता है। यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का एक ताजा मिश्रण होता है। क्या आप जानते हैं कि यह गोल्ड तक को गला सकता है, जबकि ये दोनों ही अम्ल अलग अलग गोल्ड को नहीं गला सकते क्योंकि यह अत्यधिक संक्षारक होता है। चलिए जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना।
हमने बात करी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों को और अच्छे से जानने के लिए आप एनसीईआरटी का धातु एवं अधातु वाला अध्याय पढ़ लीजिएगा। चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि धातु एवं अधातु आपस में कैसे अभिक्रिया करती है। उसके बाद हम आयनिक यौगिक के गुणधर्म को जानेंगे और अंत में बात करेंगे धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है इस बारे में। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम धातु एवं अधातु का चौथा भाग करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि धातुएं एवं अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं। उसके बाद हम जानेंगे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में और अंत में हम बात करेंगे कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये जानते हुए कि आखिर धातुएं एवं अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं। तो इससे पहले जान लेते हैं संयोजकता कोष के बारे में। आप ये जानते होंगे कि उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं उनकी संयोजकता कोष पूर्ण होती है और इसी कारण वो बहुत ही कम अभिक्रिया करती हैं। जैसे कि उदाहरण ले तो नियॉन और आर्गन दोनों के ही संयोजकता कोष पूर्ण होते हैं और दोनों ही बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि धातु एवं अधातु के अध्याय में हम उत्कृष्ट गैसों के विन्यास के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो दरअसल प्रत्येक तत्व उत्कृष्ट गैसों के विन्यास को प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो बहुत कम अभिक्रियाशील हो और जल्दी से अभिक्रिया ना करें। तो आखिर ये कैसे संभव है, चलिए जान लेते हैं। हम उदाहरण लेते हैं क्लोरीन के साथ सोडियम की अभिक्रिया का। यहाँ पर अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम में तीन शेल होते हैं, के शेल, एल शेल और एम शेल। के शेल में तो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एल शेल में आठ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके एम शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब सोचिए अगर ये अपना एम शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन किसी तरीके से अपने से अलग कर ले तो उसका एम शेल तो चला जाएगा और उसके बाह्यतम कोश में फिर आठ इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब अगर हम इस परमाणु की बात करें तो इस परमाणु में नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं, लेकिन इसके पास सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसमें घन आवेश की अधिकता होती है और ये Na प्लस बनाता है। इस तरीके से अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का अष्टक पूर्ण होने के लिए उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं। अब मानिए कि उसे कहीं से वो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो उसका बाह्यतम कोश पूर्ण हो जाएगा। अब अगर ऐसा कुछ होता है तो इस परमाणु के नाभिक में फिर 17 प्रोटॉन होंगे, लेकिन इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसलिए ये क्लोरीन का रिनायन बनाएगा, जिसे हम Cl- से दर्शाते हैं। अब वापस से सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया पे आते हैं। हम जानते हैं कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वहीं क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब मान लीजिए अगर सोडियम अपना ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दें तो उससे क्या होगा, सोडियम प्लस बनाएगा और क्लोरीन माइनस, और दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोरीन आयन परस्पर आकर्षित होंगे। ये दोनों ही एक मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहेंगे। इस तरह के जो यौगिक होते हैं ये आयनिक यौगिक कहलाते हैं,
या फिर हम इन्हें वैद्युत यौगिक भी कहते हैं। तो चलिए इन यौगिकों के गुणधर्म की बात करते हैं। घन एवं ऋण आयनों के बीच में मजबूत आकर्षण बल होता है, उसके कारण ये आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और थोड़े कठोर होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड आयनिक यौगिक हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं, धातुओं की तरह खिंचते नहीं है। इनका गलनांक एवं क्वथनांक बहुत ही ज्यादा अधिक होता है। जैसा कि हमने अभी जाना, ये बहुत ही ज्यादा ठोस एवं कठोर होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा तो होगा ही। वैद्युत संयोजक यौगिक जो हैं, ये सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं और केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सॉल्ट, जो हम घरों में नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो जल में घुल जाता है, परंतु अगर उसको केरोसिन ऑयल या पेट्रोल में घुलने की कोशिश करेंगे तो वो उनमें नहीं घुलेगा। ये यौगिक जलीय विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं धातुओं की प्राप्ति के बारे में। पृथ्वी की भूपर्पटी धातुओं का मुख्य स्रोत है। प्राकृतिक रूप में भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहा जाता है। खनिज के उदाहरण हैं लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट, डोलामाइट इत्यादि। कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। उदाहरण के लिए सिनेबार पारद का एक अयस्क है, क्योंकि सिनेबार में पारद बहुत बड़ी मात्रा में होता है और अगर हम सिनेबार से पारद निकालें तो हमें लाभ होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर धातुओं का निष्कर्षण होता कैसे है। धातुओं के सक्रियता श्रेणी के बारे में तो आप जानते ही हैं। दरअसल इन सक्रियता श्रेणी के नीचे आने वाले धातु जो होते हैं वो सबसे कम अभिक्रियाशील होते हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि सोना और चांदी। परंतु सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर आने वाली धातुएं जो होती हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इत्यादि, ये इतनी अभिक्रियाशील होती हैं कि ये कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं पाई जाती। ये हमेशा अयस्क के रूप में पाई जाती हैं, जैसे कि पोटेशियम का अयस्क या फिर सोडियम का अयस्क। सक्रियता श्रेणी के मध्य की धातुएं जैसे कि जिंक, फेरस, लेड इत्यादि, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। ये मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड इत्यादि। चलिए तो बात कर लेते हैं कि इनका निष्कर्षण होता कैसे है। जो धातुएं सक्रियता श्रेणी के सबसे ऊपर आती हैं, उनके निष्कर्षण के लिए हम विद्युत अपघटन का इस्तेमाल करते हैं। जो मध्यम में आती हैं, जैसे कि जिंक, फेरस, लेड इत्यादि, इनके लिए हम कार्बन के उपयोग से इनका अपचयन करते हैं। सक्रियता श्रेणी के सबसे नीचे आने वाले तत्व जैसे कि सिल्वर और गोल्ड, तो इनकी बात करें तो ये प्राकृतिक अवस्था में ही उपस्थित होती हैं। इनके निष्कर्षण के लिए हमें कोई अलग से रासायनिक प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने बात करी कि धातुएं एवं अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं। उसके बाद हमने जाना आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में और उसके बाद हमने जाना धातुओं की प्राप्ति के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। अगली वीडियो में हम धातुओं की प्राप्ति को और विस्तार से करेंगे। धन्यवाद। Thank you.
हेलो फ्रेंड्स, आज हम अध्याय राजनीतिक दल के भाग दो पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दलों में जन भागीदारी पर और राष्ट्रीय पार्टी पे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम राजनीतिक दलों में जन भागीदारी से। दोस्तों, कुछ वर्षों में ये आम धारणा बन गई है कि लोग राजनीतिक पार्टियों के प्रति उदासीन होने लगे हैं और उन पर से उनका भरोसा उठने लगा है। कुछ आंकड़े तो ये भी बताते हैं कि भारत के लिए ये धारणा कुछ हद तक सही है। पिछले कई दशकों में जो सर्वे हुए हैं उनसे निम्नलिखित बात सामने आती है। पूरे दक्षिण एशिया में लोगों का विश्वास राजनीतिक पार्टियों से उठ गया है। सर्वे में अधिकतर लोगों ने कहा है कि उनका राजनीतिक पार्टियों पे एकदम भरोसा नहीं है या बहुत भरोसा नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या कम थी जिन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों पे उनका कुछ भरोसा है या पूरा भरोसा है। जैसे कि हम इस पाई चार्ट से देख सकते हैं, दक्षिण एशिया में 43% लोगों ने कहा कि उन्हें बहुत भरोसा नहीं या एकदम भरोसा नहीं है। वहीं पे 37% लोगों ने ये जवाब दिया कि उन्हें पूरा भरोसा है या कुछ भरोसा है, और इनमें से 20% लोग न्यूट्रल रहे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा राजनीतिक दलों में जन भागीदारी पे जारी रखेंगे। दोस्तों, पिछले 3 दशकों में ऐसे लोगों का भी अनुपात बढ़ा है जिन्होंने माना है कि वे किसी राजनीतिक दल के करीब हैं, जैसे कि आप इस ग्राफ के द्वारा देख सकते हैं। सन 1971 से अगर 2005 तक हम कंपैरिजन करें तो ऐसे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। वहीं पे कई विकसित देशों की तुलना में भारत में ऐसे लोगों का अनुपात अधिक है जिन्होंने माना है कि वे किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य हैं, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। 1967 से 2004 तक अपने आप को किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य के रूप में मानने वालों की संख्या बढ़ती गई है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करेंगे राष्ट्रीय पार्टी पर। दोस्तों, भारत में निष्पक्ष चुनाव कराने का एक स्वतंत्र संस्था है जिसे हम चुनाव आयोग कहते हैं। हर राजनीतिक दल को चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। चुनाव आयोग हर पार्टी का या हर पार्टी को समान नजर से देखती है, लेकिन यहीं पे बड़ी और स्थापित पार्टियों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। दोस्तों, इन बड़ी पार्टियों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है जिसका इस्तेमाल उनके अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में राष्ट्र स्तर की पार्टी वो होती है जो विधानसभा के चुनाव में कुल वोट के कम से कम 6% वोट मिलते हैं और जो कम से कम 2 सीटों पे चुनाव जीतती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा राष्ट्रीय पार्टी पे जारी रखेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी वो होती है जिस पार्टी को लोकसभा के चुनाव में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट मिलते हैं या जो लोकसभा में कम से कम 4 सीट जीतती हैं। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा राष्ट्रीय पार्टी पे
जारी रखते हैं। दोस्तों, हमारे देश में मूल रूप से 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जैसे कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। मूलतः इसे हम कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जानते हैं। इसका गठन 1 जनवरी 1988 में हुआ था। इसका गठन ममता बनर्जी के नेतृत्व में की गई थी। दोस्तों, 2016 में इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। 2014 में हुए आम चुनाव में इसे 3.84% वोट मिले और 34 सीटों पे जीत हासिल हुई, जिससे यह लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। आगे बढ़ते हुए हम राष्ट्रीय पार्टी पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। अब हम चर्चा करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। दोस्तों, इसे कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह 100 वर्षों से भी पुरानी पार्टी है, जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी। भारत की आजादी के लड़ाई में इस पार्टी की मुख्य भूमिका रही है और भारत के आजादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई है। दोस्तों, आजादी के 70 वर्षों में 50 से अधिक वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा राष्ट्रीय पार्टी पे जारी रखते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों, इस पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। इस पार्टी को भारतीय जनसंघ के पुनर्जन्म के रूप में माना जा सकता है। इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य है एक शक्तिशाली और आधुनिक भारत का निर्माण करना। दोस्तों, 1990 के दशक में इस पार्टी को जनाधार तेजी से बढ़ा। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व पर आधारित राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है। यह धर्म परिवर्तन पे रोक लगानी चाहती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड डालना चाहती है। दोस्तों, यह पार्टी पहली बार 1998 में सत्ता में आई और 2004 तक शासन किया। उसके बाद दोबारा यह पार्टी 2014 में सत्ता में आई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने राजनीतिक दलों में जन भागीदारी और राष्ट्रीय पार्टी पे चर्चा की, जिसका रेफरेंस है राजनीति शास्त्र की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक। दोस्तों, अगली वीडियो में हम राष्ट्रीय पार्टी पे अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। इसके अलावा हम क्षेत्रीय दल पे चर्चा करेंगे और तो और हम चर्चा करेंगे राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियों पे, राजनीतिक दलों को सुधारने के उपाय और भविष्य के लिए सलाह पे। तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.
नमस्कार दोस्तों, आज हम बी ब्लॉक के तत्व का छठा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम वर्ग 17 के यौगिकों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पढ़ने से पहले एक बार सबसे पहले हम नजर डालते हैं कि वर्ग 17 में कौन कौन से यौगिक होते हैं। सबसे पहला यौगिक है क्लोरीन, दूसरा है हाइड्रोजन क्लोराइड, तीसरा है हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल और चौथा और आखिरी है अंतरा हैलोजन यौगिक। तो शुरू करते हैं क्लोरीन से। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीन के विरचन की, यानी कि क्लोरीन के प्रिपरेशन की, बनता कैसे है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करके, ये पहला तरीका है। इसमें हम सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो हमें मिलता है MnCl2 क्लोरीन प्लस 2H2O। तो एक क्लोरीन को पाने का तरीका यह है। दूसरा तरीका है पोटेशियम परमैंगनेट की HCl से अभिक्रिया करने पर। आप देख सकते हैं जब हमने KMnO4 को HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें KCl मिला, MnCl2 मिला, H2O मिला और साथ में क्लोरीन भी मिला। क्लोरीन के उत्पादन के लिए एक बहुत खास तरह की विधि है जिसे हम डेकॉन विधि कहते हैं। इस विधि में 723 केल्विन पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करते हैं। आप रिएक्शन देख सकते हैं, HCl का हमने ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण कराया और साथ में CuCl2 भी मौजूद था, इससे हमें क्लोरीन गैस मिली और साथ में H2O मिला। तो ये डेकॉन विधि होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक और तरीका है वैद्युत अपघटन प्रक्रम। इसमें क्लोरीन लवण जल के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है, क्लोरीन एनोड पर प्राप्त होती है। तो ये कुछ तरीके थे जिससे हम क्लोरीन को पा सकते थे। अब हम बात करेंगे क्लोरीन के गुणों की। यह तीखी गंध वाली दम घोटू हरित पीली गैस है। अगर आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां पर क्लोरीन गैस मौजूद है तो आपका दम घुटने लगेगा और इसकी बहुत ही तीखी गंध आती है। यह वायु से 2.5 गुना भारी है। यह जल में विलेय है, यानी कि यह जल में आसानी से घुल जाती है। यह हरित पीले द्रव के रूप में आसानी से द्रवित की जा सकती है। क्लोरीन बहुत सी धातुओं तथा अधातुओं के साथ क्रिया कर क्लोराइड बनाती है। क्लोरीन एक प्रबल विरंजक है, विरंजन क्रिया ऑक्सीकरण के कारण होती है। तो ये कुछ गुण थे क्लोरीन के जो आपको ध्यान में रखने बहुत जरूरी हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड की। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का विरचन कैसे होता है। यह सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाया जाता है। आप रिएक्शन देख सकते हैं, NaCl को अगर हम H2SO4 के साथ मिला दें और उसको गर्म करें 420 केल्विन के ताप पर तो NaHSO4 और साथ में HCl बनता है। इसका दूसरा तरीका है NaHSO4 को NaCl में अगर हम मिला दें और इसको 823 केल्विन पर गर्म करें तो हमें Na2SO4 और HCl मिलता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि दूसरी रिएक्शन में हमको ताप की मात्रा ज्यादा रखनी पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के गुणों की। सांद्र HCl के 3 भाग तथा सांद्र HNO3 के 1 भाग को मिलाने पर एक्वारेजिया बनता है, जो कि सोने तथा प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं को घोलने के लिए काम में लाया जाता है। ये इस पाठ का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ से प्रश्न आता है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि एक्वारेजिया क्या होता है, उसमें HCl के कितने भाग लगते हैं, HNO3 के कितने भाग लगते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है। आप देख सकते हैं कि जो एक्वारेजिया है वो सोने और प्लेटिनम जैसे
अक्रिय धातुओं से भी रिएक्शन कर देता है और उनको भी घोल देता है। रिएक्शंस आपके सामने हैं और इन रिएक्शंस को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल की। पहला जो ऑक्सो अम्ल होता है वो होता है HOCl, जिसे हम हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं। दूसरा जो ऑक्सो अम्ल है वो है HOClO, इसे हम क्लोरस अम्ल कहते हैं। तीसरा जो ऑक्सो अम्ल है वो क्लोरिक अम्ल कहलाता है, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको कहते हैं HClO3। आखिरी जो अम्ल है उसे कहते हैं परक्लोरिक अम्ल, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HClO4। ये चारों ऑक्सो अम्ल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षा में ऐसा हो सकता है कि आपको ऑक्सो अम्ल का नाम दिया हो और आपको उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला जाए, तो आपको ये ऑक्सो अम्ल के स्ट्रक्चर आने चाहिए। और इसका विपरीत भी हो सकता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर दिया जाए और आपको नाम बताने को बोला जाए। इस पार्ट में जितने भी हमने ऑक्सो अम्ल पढ़े हैं आपको वो सारे आने चाहिए और उन सबके स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अंतराहेलोजन यौगिकों की। सबसे पहले इनका विरचन यानी कि प्रिपरेशन देख लेते हैं। अंतराहेलोजन यौगिक सीधे संयोग द्वारा या किसी हेलोजन की एक निम्नतर अंतराहेलोजन यौगिक पर अभिक्रिया द्वारा बनाए जा सकते हैं। आप रिएक्शन देख सकते हैं। अगर आप Cl2 और F2 के समान आयतन को लेते हैं और उनको 437 केल्विन पर गर्म करते हैं तो आपको CLF देखने को मिलता है। यही काम अगर आप Cl2 और 3F2, यहाँ पर F2 को हम एक्सेस में लेते हैं, इन दोनों को अगर आप 573 केल्विन पर गर्म करते हैं तो आपको ClF3 देखने को मिलता है। उसके बाद एक और रिएक्शन है, इसमें अगर आप I2 और Cl2 का इक्विमोलर या फिर सम मोलर पार्ट लें तो उससे आपको ICl देखने को मिलता है। तो ये तरीका होता है अंतराहेलोजन यौगिक को बनाने का। अब हम बात करते हैं अंतराहेलोजन यौगिकों के गुणों की। ये सभी ससंयोजक अणु होते हैं और प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। ये सभी वाष्पशील ठोस या द्रव हैं। इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की तुलना पृथक अव्ययी हेलोजनों से की जा सकती है। सामान्यतः अंतराहेलोजन यौगिक हेलोजनों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं। आप अगर इनकी रिएक्शन देखें पानी के साथ तो आप देख सकते हैं कि ये HX- और HOX बनाते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने वर्ग 17 के यौगिकों के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी और ये सुझाव दूंगा कि आप इन सब चीजों को रसायन विज्ञान की NCERT से दोबारा से पढ़िएगा। अगली वीडियो में हम वर्ग 18 के तत्वों की बात करेंगे। उसके बाद हम उनके भौतिक और रासायनिक गुणों की बात करेंगे और उसके बाद हम वर्ग 18 के यौगिक पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के तत्व का 7वां भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम वर्ग 18 के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम वर्ग 18 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 18 के तत्वों से।
वर्ग 18 में निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला जो तत्व है उसे हीलियम कहते हैं, दूसरा तत्व है नियॉन, तीसरा तत्व है आर्गन, चौथा तत्व है क्रिप्टन, पांचवा तत्व है ज़ीनन और छठा तत्व है रेडॉन। इन सभी को उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। अंग्रेजी में इनको नोबल गैस कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी भी अन्य धातु या फिर अधातु के साथ रिएक्शन नहीं करती। अब बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। हीलियम के अतिरिक्त सभी उत्कृष्ट गैसों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है, जो कि हीलियम के लिए 1s2 है। उत्कृष्ट गैसों के बहुत से गुण, जिनमें अक्रिय प्रकृति शामिल है, उनकी संवृत कोश संरचना के कारण होती है। ये हमने बात करी इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। अब हम बात करेंगे इनके आयनन एंथैल्पी की। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण इनकी गैसों में आयनन एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। इसका मतलब यह है कि इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है। जबकि परमाण्विक आकार में वृद्धि के साथ वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर यह कम होती जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ग में नीचे की ओर जाने पर इनका जो आकार है वो बढ़ता जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। उत्कृष्ट गैसों का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं होती, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक धनात्मक होता है। अगर आप किसी भी नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन डालना चाहें तो वो बहुत मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये हमने बात करी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके भौतिक गुणों की। सभी उत्कृष्ट गैसें एक परमाण्विक हैं। यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती हैं। यह जल में अल्पविलय है। इनके गलनांक तथा क्वथनांक अत्यधिक निम्न होते हैं। और आखिरी गुण है, ज्ञात पदार्थों में हीलियम का क्वथनांक 4.2 केल्विन निम्नतम होता है। तो ये कुछ भौतिक गुण हैं उत्कृष्ट गैसों के। आप इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं उत्कृष्ट गैसों के रासायनिक गुणों की। सामान्यतः उत्कृष्ट गैसें सबसे कम क्रियाशील होती हैं। उत्कृष्ट गैसों के संयोजकता कोष का पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP6 होता है। हीलियम में ये 1s2 होता है। इनकी आयनन एंथैल्पी अधिक होती है तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी अधिक धनात्मक होती है। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। अब हम बात करेंगे ज़ीनॉन फ्लोरीन के यौगिकों की। अनुकूल प्रायोगिक परिस्थितियों में तत्वों से प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा ज़ीनॉन 3 प्रकार के द्विआंगी फ्लोराइड देता है, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला जो द्विआंगी फ्लोराइड है वो है XF2, दूसरा जो है वो है XF4, तीसरा जो है वो है XF6। आप इनकी शेप देख सकते हैं। पहला जो XF2 है उसकी शेप लीनियर है, दूसरा जो XF4 है उसकी जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर है, तीसरा और जो आखिरी XF6 है उसकी शेप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। अगर मैं इनको हिंदी में बताऊं तो पहले की जो शेप है वो रेखीय है, दूसरे की जो शेप है वो वर्ग समतलीय है, और तीसरे की जो शेप है वो विकृत अष्टफलकीय है। आप इनको अपनी कॉपियों में बना लीजिए और इनकी जो शेप है वो लिख लीजिए। परीक्षा के उद्देश्य से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको आप याद भी रखिएगा। अब हम बात करेंगे ज़ीनॉन ऑक्सीजन के यौगिकों की। पहला जो यौगिक है वो है XE
OF4, XeOF4 हमें XeF6 के आंशिक जल अपघटन से मिलता है। इसका जो शेप होता है वो स्क्वायर पिरामिडल होता है, या फिर अगर हिंदी में कहें तो ये वर्ग पिरामिडी होता है। इसके बाद जो दूसरा यौगिक है वो XeO3 है। XeO3 हमें XeF4 तथा XeF6 के जल अपघटन के फलस्वरूप मिलता है। इसका जो शेप होता है वो पिरामिडल होता है, या फिर अगर हिंदी में कहें तो इसका जो शेप होता है वो पिरामिडी होता है। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, आइए जानते हैं कि आज हमने कौन कौन सी चीजों के बारे में जाना। सबसे पहले हमने वर्ग 18 के तत्वों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ा, और आखिरी में हमने वर्ग 18 के यौगिकों के बारे में जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई हुई बातें समझ आई होंगी, और आपको यह सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की NCERT से दोबारा से पढ़िएगा, इससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम आपका अध्याय वंशगति के आणविक आधार को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आनुवंशिक कूट और रूपांतरण की प्रक्रिया को समझा था। इस वीडियो में हम जीन अभिव्यक्ति का नियमन और लैक प्रचालक यानी कि द लैक ऑपरॉन को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, ये जीन अभिव्यक्ति का नियमन होता क्या है इसको हम समझेंगे। जीन अभिव्यक्ति के नियमन में विशिष्ट जीन उत्पादों जिसमें कि प्रोटीन या RNA होता है के उत्पादन को बढ़ाने या कम करने के लिए कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। यह एक मानव शरीर है। अब इस मानव शरीर में से हम नेत्र की कोशिकाएं ले लेते हैं और एक तरफ हम ले लेते हैं अमाशय की कोशिकाएं। अब इन दोनों कोशिकाओं के पास एक तरह का DNA होगा, है ना? मगर अमाशय की कोशिकाओं का DNA ऐसे प्रोटीन का कूट लेखन करता है जो कि जब उत्पन्न होते हैं तब वे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि ये अम्ल नेत्र कोशिकाएं उत्पन्न करे, तो क्योंकि DNA तो एक जैसा है ना, तो उसको ऐसा करना चाहिए ना। मगर ऐसा होता नहीं है जीन अभिव्यक्ति के नियमन की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि जीन कोशिका में अभिव्यक्त होकर एक विशेष कार्य या एक निश्चित कार्य को संपन्न करते हैं। आइए इसको समझने के लिए एक और उदाहरण लेते हैं। तो हमने एक पेट्री प्लेट ली और इसमें हमने लैक्टोज से युक्त मीडिया डाल दिया। मीडिया को हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि ये बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का भोजन है, और इसमें हमने ईकोलाई बैक्टीरिया को डाल दिया और इसका हमने विकास करवाया। तो विकास करते करते ईकोलाई बैक्टीरिया एक एंजाइम उत्पन्न करेगा जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम लैक्टोज को कैटलाइज करके लैक्टोज से गैलेक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण करेगा, जिसे कि बैक्टीरिया ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर बैक्टीरिया के आसपास लैक्टोज ना हो तो इसको इस एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज को उत्पन्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कारण से साधारण शब्दों में कहा जाए तो यह एक उपापचीय शरीर क्रियात्मक
या वातावरण स्थिति है जो जीन की अभिव्यक्ति को नियमित करती है। अब दोस्तों, जीन अभिव्यक्ति को कई स्तरों पर नियमित किया जा सकता है, जैसे कि ससीम केंद्रिकी में ये अनुलेखन स्तर पर हो सकता है, ये संसाधन स्तर पर भी हो सकता है, जैसे कि संबंधन के नियमन के दौरान यह दूत आरएनए का केंद्रक से कोशिका प्रवण में अभिगमन के दौरान भी हो सकता है, और ये स्थानांतरीय स्तर पर भी हो सकता है। मगर असीम केंद्रिकी में जीन अभिव्यक्ति का नियमन ओपरॉन यानी कि प्रचालक द्वारा होता है। आइए अब इसको समझ लेते हैं। ये एक डीएनए रज्जु है और यहां पर उन्नायक यानी कि प्रोमोटर रीजन होता है। याद है दोस्तों प्रोमोटर क्या होता है? यह एक अनुक्रम है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ता है और अपना कार्य शुरू करता है, यानी कि अनुलेखन की प्रक्रिया को शुरू करता है, जिससे कि एमआरएनए बनता है और फिर रूपांतरण की प्रक्रिया से प्रोटीन बनता है। और यहां पर एक और अनुक्रम है जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर यानी कि प्रचालक, जहां पर दमनकारी यानी कि रिप्रेसर जुड़ता है, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर यानी कि उन्नायक से जुड़ नहीं पाता है और इसके परिणाम स्वरूप प्रोटीन बनना रुक जाता है। तो ओपरॉन यानी कि प्रचालक कुछ ऐसे कार्य करता है। आइए इसका एक उदाहरण लैक प्रचालक यानी कि द लैक ओपरॉन को समझ लेते हैं। लैक ओपरॉन के बारे में स्पष्ट जानकारी फ्रैंकोस जैकब और जैकवे मोनॉड ने दी थी। इन्होंने पहली बार अनुलेखन नियमित तंत्र के बारे में बताया। आइए दोस्तों अब लैक ओपरॉन को अच्छे से समझ लेते हैं। ये एक डीएनए रज्जु है और यहां पर उन्नायक यानी कि प्रोमोटर होता है और यहां पर प्रचालक यानी कि ऑपरेटर होता है, और यहां पर तीन जीन होते हैं, जीन जेड, वाई और ए। जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूट लेखन करता है, जो कि लैक्टोज के जल विघटन से गैलेक्टोज और ग्लूकोज का निर्माण करता है। जीन वाई परमीएज एंजाइम का कूट लेखन करता है, जो कोशिका के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज की पारगम्यता को बढ़ाता है, और जीन ए ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कूट लेखन करता है। इसी तरह से ये तीन जीन लैक्टोज के उपापचय के लिए बहुत ही जरूरी हैं। और हाँ बिल्कुल, इधर दमनकारी यानी कि रिप्रेसर होगा और इस डीएनए रज्जू के पास जीन आई भी होगा और जीन आई के पास खुद का प्रमोटर भी होगा। ये जीन आई दमनकारी के निर्माण के लिए कोड करता है। अब आप सभी यहां सोच रहे होंगे कि यहां पर हमें रिप्रेसर की आखिर जरूरत क्यों पड़ती है, जो कि एक प्रक्रिया को रोक देता है। तो इसका जवाब है कि जो चीजों की हमको जरूरत नहीं पड़ती है उन्हें बनाना व्यर्थ होता है। तो ऐसे ही अगर लैक्टोज नहीं होगा तो हमें उसके उपापचय के लिए एंजाइम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर ये एंजाइम किसी वजह से बनते हैं तो ये बिल्कुल व्यर्थ होंगे, क्योंकि ये कोई भी काम नहीं कर रहे होंगे। तो इसीलिए इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए दमनकारी यहां पर है। आइए अब लैक ओपरॉन पर वापस आ जाते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने एक पेट्री प्लेट ली और इसमें हमने बिना लैक्टोज वाला मीडिया डाला, इसमें हमने बैक्टीरिया को भी ग्रो करवाया। अब इसमें रिप्रेसर आएगा और वो ऑपरेटर यानी कि प्रचालक से जुड़ जाएगा, जिस वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर से यानी कि उन्नायक से जुड़ नहीं पाएगा, और इसकी वजह से अनुलेखन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी और ना ही एंजाइम बनेंगे जो कि लैक्टोज को कैटालाइज करने के लिए चाहिए। तो ये एकदम सही लग रहा है कि लैक्टोज नहीं है तो हमें उसके एंजाइम नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम मीडिया में लैक्टोज डाल देते हैं तो ये लैक्टोज एक प्रेरक यानी कि इंड्यूसर की तरह काम करेगा और ये जाके रिप्रेसर से जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से रिप्रेसर की संरचना बदल जाएगी और वो ऑपरेटर से जुड़ नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जाके जुड़ेगा,
जिसकी वजह से अनुलेखन की प्रक्रिया होगी, एमआरएनए बनेगा और बाद में एंजाइम बनेंगे जो कि लैक्टोज का उपापचय करेंगे। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं कि दमनकारी द्वारा लैक प्रचालक के नियमन को ऋणात्मक नियमन कहते हैं, तो ये बात आप सभी को याद रखनी है। इस वीडियो में हमने जीन अभिव्यक्ति का नियमन को समझा और साथ ही हमने लैक प्रचालक के बारे में भी बात करी। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये दो टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम मानव जीनोम परियोजना और डीएनए उंगली छापी को समझेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि डिजी साथ के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो दोस्तों, आज हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा साइंस का अध्याय धातु एवं अधातु, साथ ही 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का अध्याय राजनीतिक दल। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में हमने पढ़ा केमिस्ट्री का अध्याय पी ब्लॉक एलिमेंट्स, साथ ही बायोलॉजी का अध्याय वंशागति के आणविक आधार। आइए अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर से टेंसेस, साथ ही हिंदी का अध्याय नागार्जुन। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे गणित का अध्याय सांतत्य तथा अवकलनीयता और फिजिक्स का अध्याय तरंग प्रकाशिकी। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की, जो अभी आपने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप ये एपिसोड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर DigiSat Equation सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।